आज ईद और बप्पा का विसर्जन दोनों त्योहार एक ही दिन आ रहे हैं। इस मौके पर शहर में किसी भी अप्रिय घटना ना हो इसलिए बड़ी संख्या में पुलिस बंदोबस्त रहेगा। इसमें 5000 से अधिक पुलिसकर्मी, 1200 होमगार्ड, SRPF की 2 कंपनियां शामिल होंगी। साथ ही त्योहार के दौरान 1800 अपराधियों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने कल की व्यवस्था के बारे में अधिक जानकारी साझा की है। इस साल गणेश विसर्जन, अनंत चतुर्दशी और ईद दोनों एक ही दिन आया है और कल सुबह हमने ईद के प्रोसेशन को सुबह से लेकर दोपहर को 1 बजे तक प्रोसेशन की परवानगी दी है। उसके बाद दोपहर के बाद से सार्वजनिक गणपति मंडल का विसर्जन होगा। शहर में गणपति विसर्जन का कोई एक मुख्य मेरवनुक नहीं होता है, बट कल 457 अंदाजन गणपति, सार्वजनिक गणपति मंडल्स हैं जिसकी विसर्जन होने वाली है। वो विसर्जन कोराडी, जो बड़े मूर्तिज हैं उसके कोराडी तालाब, कोलार नदी, कन्हान, इस भाग में होने वाला है। मैक्सिमम इसमें के कोराडी तालाब में, आर्टिफिशियल तालाब में होने वाले हैं। उसके अलावा छोटे गणपति और घरगुती गणपति, ये शहर में अंदाजन 300 के आसपास आर्टिफिशियल तालाब बनाए गए हैं जिसमें ये विसर्जन होंगे। मुख्य तौर पे फुटाला तालाब, शुक्रवारी तालाब, शक्करदरा तालाब, सोनेगांव परिसर में जो एरिया है वहाँ पे ज़्यादा प्रमाण पे विसर्जन होते हैं। ईद की जो मेरवनुक है वो मुख्य मेरवनुक शहर में सुबह निकलने वाली है, जो सेवा सदन चौक से निकल के दोसर भवन चौक, मोमिनपुरा, गोलीबार चौक, टाटा स्टैंड, सुनील होटल चौक, टेलीफोन एक्सचेंज होते हुए CA रोड पे ये आने वाली है। इस मुख्य मेरवनुक में 4 बड़े मेरवनुक ज्वाइन होने वाले हैं, जो एक अवस्थी चौक से आने वाला, एक ताजबाग, एक हसनबाग और एक यशोधरा नगर टेका परिसर से आने वाले हैं। इस मेरवनुक के अलावा एक MIDC परिसर में एक मेरवनुक है जो MIDC हिंगना एरिया में निकलता है और उधर ही डिस्पर्स होता है। एक नेक्स्ट एक कामटी में एक बड़ा मेरवनुक है जो कामटी, जूनी कामटी और नवीन कामटी एरियाज में निकलता है। ईद के सभी आयोजकों से डिटेल चर्चा हुई है और वो लोगों की मेरवनुक 1 बजे तक ख़त्म होने की, हमने 1 बजे तक की समय सीमा दी है और आयोजकों ने हमें आश्वासन दिया है कि वो 1 बजे तक ख़त्म होगा। बाद में फिर ईद के सार्वजनिक गणपति मंडल के प्रोसेशंस जो अलग अलग निकलते हैं वो शुरू होंगे। इसके अलावा जो घरगुती गणपति मंडल है उनको कोई समय का वो नहीं है, वो अपने हिसाब से, अपनी सोई सुविधा के हिसाब से जिसको भी विसर्जन करना है वो अपने एरिया में आर्टिफिशियल तालाब में कर सकते हैं। शहर में बहुत बड़े पैमाने पे बंदोबस्त लगाई गई है, अंदाजन 5000 के आसपास पुलिस अधिकारी कर्मचारी, 1200 होमगार्ड्स और 2 कंपनी SRPF की डिप्लॉयमेंट की गई है। इसके अलावा QRT की टीम्स, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड्स और जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जैसे मोबाइल सर्विलेंस व्हीकल्स, ड्रोन कैमरा से मॉनिटरिंग, ये सभी बहुत ही इलैबरेट तरीके से प्लानिंग की गई है। दोनों समाज के जो लीडर्स हैं, कम्युनिटी लीडर्स हैं और गणपति मंडल के पदाधिकारी हैं, ईद के आयोजक समिति के लोग हैं, उनके साथ पुलिस बहुत बड़े पैमाने पर कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम की है। अंदाजन 800 के आसपास मोहल्ला समिति मीटिंग, शांतता मीटिंग, महिला दक्षता समिति, इस प्रकार की मीटिंग्स आयोजित की गई है। मुझे विश्वास है कि सभी गट के लोग, सभी स्टेक होल्डर्स के साथ एक इंटरेक्शन पुलिस विभाग का है और ये पूरी, दोनों जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स है ये शांति से होगी, इसका हमें पूरे विश्वास है।